हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे ही होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि देख सकते हैं आप, ठंडी का मौसम आ गया और अब मैं छत पे आने लग गई हूँ वीडियोस बनाने। अभी थोड़ी गर्मी ज़्यादा लगती है, मतलब अभी की धूप जो है ना, अभी इतना मन नहीं होता कि धूप में बैठूँ, तो मैं एक साइड में जहाँ छाया होता है ना, वहाँ जाके वीडियोज़ कुछ कुछ बना लेती हूँ। तो ठंड का मौसम सबसे बेस्ट होता है। गर्मी में आप एसी में बैठ लो, कूलर में बैठ लो, कुछ भी हो, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, मतलब गर्मी लगती ही है। और ठंड में एक बार को होता है आप शॉल ओढ़ लो, स्वेटर पहन लो, फिर भी बच सकते हो, वो भी ठंड हल्की हल्की अच्छी लगती है। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट सीज़न होता है ठंड का मौसम, तो मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। और बाकी तो सब आप लोगों को पता ही है कि 7 तारीख को मेरा एक अवार्ड शो है जो कि दिल्ली में है, और बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है वहाँ जाने में, क्योंकि जो उसके जो मेन ऑनर हैं उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट से बुलाया है मुझे, और काफ़ी बड़े बड़े ओहदे के लोग वहाँ पर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ना कि मतलब जो जिनको हमारे देश की तरफ से सम्मान मिल चुका है वो मुझे सम्मान देंगे, तो वो मुझे मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। तो 7 तारीख को है वो अवार्ड शो, और लेट्स सी क्या क्या होता है वहाँ पर, क्या नहीं होता है, वहाँ जाके ही पता चलेगा। और आप लोग बताइएगा मेरा ये लुक कैसा लग रहा है। जैसे ये साड़ी तो आप लोगों ने देखी ही होगी मेरी, बहुत ही प्यारी। मुझे ना ऐसी हल्की हल्की साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, मतलब ऑफकोर्स पता ही है मेरी पसंद कितनी अच्छी है। ये मेरी पसंद की साड़ी है ऑफकोर्स। और वीडियोज़ बना रही थी तो मैंने सोचा कि चलो जब रेडी हुई हूँ और इतना अच्छा वेदर हो रहा है, इतना अच्छा मौसम है और मैं अच्छी लग रही हूँ, तो मुझे वीडियो ब्लॉग तो बनाना ही चाहिए आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर ये कुछ झाड़ियाँ भी उगाई है, ये हमारी गवर्नमेंट जो सोसाइटी है ना हमारी, उसका छत है, तो गवर्नमेंट हाउस के छत ऐसे ही होते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर आके। मेरे बचपन की बहुत यादें जुड़ी हैं ना, तो मुझे ये ना सबसे बेस्ट प्लेस लगता है, सबसे बेस्ट। यहाँ की इस सोसाइटी की हर एक चीज़ ना, हर एक सड़क, हर एक पार्क का एक एक एरिया मेरे बचपन की यादों से जुड़ा हुआ है, तो मुझे सबसे बेस्ट प्लेस लगता है। हाँ, हालांकि मतलब छोटा पड़ता है अब ये घर मुझे, और हम लोगों का पता ही आप लोगों को बता चुकी हूँ कि घर बन रहा है, तो घर बनने के एक्साइटमेंट के साथ साथ मुझे यहाँ से जाने का एक दुख भी होता है, दर्द भी होता है कि जाना पड़ेगा यहाँ से। तो ठीक है, ज़िंदगी है ऐसे ही आगे चलती रहती है। और ये टैटू अच्छा लग रहा है ना, पता है मैं जब लास्ट टाइम चंडीगढ़ गई थी तो वहाँ पर एयरपोर्ट पे जो चेकिंग के लिए लेडीज़ होती हैं ना, जो कस्टम की तरफ से होते हैं जो, तो वो वहाँ पर एक लेडी थी, उन लेडी ने मतलब चेकिंग के साथ साथ उन्होंने मेरा टैटू देखा, ये राधे राधे, और उन्होंने बोला कि बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो जो मुझे उनसे डर हो रहा था कि एक डर होता है ना कि हाँ भाई कस्टम वाले हैं, कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे चेकिंग करेंगे, बट उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट करा और मतलब बहुत अच्छे से बात करी मुझसे, स्पेशली ये टैटू के लिए उन्होंने तारीफ़ करी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये टैटू के लिए मुझे एक जगह और तारीफ़ मिली थी, मतलब काफ़ी जगह लोग बोल देते हैं अच्छा लग रहा है, बट स्पेशली थोड़ा अलग फील होता है। यार ट्रेड फेयर में गई थी अभी, दिल्ली में लगा था ना ट्रेड फेयर जो हर साल लगता है, जिन लोगों को नॉलेज है उन लोगों को पता है कि दिल्ली का ट्रेड फेयर कितना नामी होता है, तो वो वहाँ पर मैं गई थी, तो वहाँ भी दो स्टॉल्स पे लोगों ने मुझे बोला कि आपका ये राधे राधे का टैटू बहुत अच्छा लग रहा है, स्टॉल्स के ऑनर्स ने बोला, और उन्होंने मुझे डिस्काउंट भी दिया। अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया था। मैं ना कब गई थी पता है, जब ख़त्म होने वाला होता है ना उससे एक दिन पहले मैं गई थी, तो थोड़ा सा डिस्काउंट अच्छा मिल जाता है हर एक शॉप पर, आप थोड़ा बहुत बार्गनिंग कर सकते हो। अगर आप स्टार्टिंग में जाओगे ना बिल्कुल बार्गनिंग नहीं होती है, लेकिन चीज़ें बहुत डिफरेंट, बहुत यूनिक मिलती हैं वहाँ पर। तो मैं वहाँ से काफ़ी चीज़ें लेकर आई हूँ, बहुत सारी चीज़ें लेकर आई हूँ, और दो तो वहाँ पर एक्चुअली जो मेन में गई थी, क्योंकि वहाँ एक स्टॉल लगा हुआ था जो कि साड़ी का था, तो उस साड़ी वो बंगाली साड़ीज़ का स्टॉल था, तो वहाँ से प्रमोशन का भी है, तो उन दो साड़ियों का मुझे प्रमोशन भी करना है, और अभी मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है, और मेन रीज़न है कि अभी वो साड़ियाँ तैयार नहीं है, तो उन साड़ियों को पहले मैं तैयार करवा रही हूँ, उसके बाद उसका प्रमोशन मैं करूँगी। तो लेट्स सी, आप बताइएगा कैसा लगेगा। तो मैं डाल तो दूँगी ही उस साड़ी को, व्लॉग में भी मैं डाल दूँगी, जिस दिन मैं वो पहनूँगी ना मैं स्पेशली व्लॉग बनाऊँगी, छत पे आके बनाऊँगी, अच्छा लगेगा ना, बहुत अच्छा लगेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब व्यू कितना प्यारा आ रहा है ना, एक्चुअली बाकी में आसमान के नीचे का व्यू अलग ही व्यू होता है। तो बाकी अब चंडीगढ़ जाना ही है, आप लोगों को पता ही, अपडेट मैं दे ही चुकी हूँ, चंडीगढ़ जाना है मुझे, अब इस महीने ही जाना है, 26 तारीख का है ना, तो
देखो अब यहाँ पर एक्चुअली ना एक और अवार्ड शो हो रहा था, वो भी 26 और 27 को है, और वहाँ पर भाग्यश्री आ रही हैं, और वहाँ से भी मुझे इनविटेशन आया था, बट मैं ऑलरेडी मैं यहाँ पर जाने का मेरा प्लान बन चुका था, तो मैं वहाँ के लिए मैं मना कर दिया। और बिल्कुल मेरे घर के ना बहुत पास में वो अवार्ड शो हो रहा है, तो थोड़ा सा लग रहा है कि छूट गया एक भाग्यश्री जी, वो भी बहुत नामी हैं, और इतना अच्छा मौका मेरे हाथ से निकल गया वो। लेकिन क्या कर सकते हैं, एक ही जगह मैं जा सकती हूँ ना, एक जान दो जगह कैसे पहुँच जाऊँ। तो चंडीगढ़ जाना तो मेरा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ के जो ओनर हैं, जो इवेंट करा रहे हैं गोल्डी भैया, उनसे और उनकी फैमिली से मेरा अलग ही बॉन्ड बन चुका है, तो उनकी किसी बात को मैं वैसे भी नहीं टाल सकती हूँ, तो एक अलग ही उनके साथ रिश्ता भी बन चुका है। एक होता है ना कि ठीक है कहीं गए आ गए बात ख़त्म, बट उनके साथ उनकी फैमिली के साथ मेरा अलग ही बॉन्ड बन चुका है, तो अच्छा लगता है। तो उनको मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर सकती, मैंने यहाँ मना कर दिया। कल ही मुझे कॉल आया था यहाँ से, भाग्यश्री आ रही है और 26 और 27 को है इवेंट, और मेन मेकअप आर्टिस्ट का है वो। जैसे अभी नोएडा में था ना, वहाँ भी मेकअप आर्टिस्ट का ही मेन था, जयाप्रदा जी आई थी तो वहाँ तो मैं चली गई थी, बट यहाँ मैं नहीं जा पाऊँगी। और ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखते हैं, कभी और मौका मिलेगा तो भाग्यश्री जी से मिलने का, होप सो मिल पाएंगे। तो बस यही सब, और बाकी अब हमारी सोसाइटी का हाल ऐसा हो रहा है ना, ये पहले BSNL के अंडर में था, अब BSNL वालों ने इसको, BSNL का ही एक डिपार्टमेंट है उनके अंडर ओवर कर दिया है, मतलब उन्होंने ख़रीद लिया है, तो काफ़ी कुछ अब यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं, काफ़ी कुछ बदलेगा अब यहाँ पर। यहाँ का जो हमारा मेन गेट है वो भी चेंज हो गया है, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बन गया अब तो। आज उसका मेरे ख्याल से, आज मैं गई थी बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी ना कार से, तो मुझे पता चला कि वो गेट ओपन हो गया, जबकि हम दूसरे गेट से जाते थे जब तक वो बन रहा था गेट, तो वहाँ पर गई तो आज उसका ना उद्घाटन टाइप है, दरवाजा डोर का क्या ही उद्घाटन होगा, मतलब फिर भी पूरा सजा रखा है, फूलों से रास्ता सजा रखा है, बहुत बढ़िया। आई थिंक जो CGM DGM लेवल के होते हैं ना, वो लोग शायद रिबन रिबन कट करेंगे उस दरवाजे के लिए, नया दरवाज़ा बनाया तो पूजा पाठ करके करना भी बनता है। तो बस यही सब है, और बाकी देखिए छोटी मोटी कुछ इधर उधर की चीज़ें होती रहती हैं, वो सब हर बात में आप लोगों को बता के आप लोगों को भी क्या फालतू की चीज़ों में इन्वॉल्व करूँ, है ना, इसलिए। बाकी जब मन करता है तो मैं आप लोगों को इन्वॉल्व करती भी हूँ, क्योंकि मैं किसके साथ शेयर करूँ, है ना, हर चीज़ें आप फैमिली के साथ, हर चीज़ें हस्बैंड के साथ, मम्मी पापा के साथ, सबके साथ शेयर नहीं होती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम देख नहीं रहे हैं, लेकिन हम उनसे अपने दिल की सारी बातें कर रहे हैं। तो मैं छत पे बैठी हूँ ना, जितने सोसाइटी के लोग हैं इधर से आ जा रहे हैं मुझे देख रहे हैं मेरी फ्रेंड का घर ना जस्ट सामने ही है, उसकी बालकनी दिखती है और रूम्स की खिड़कियाँ हैं इस तरफ, तो वो आई थी अभी दो तीन दिन पहले ना, मैंने वो रखा था, पिन्नी रखा था, मन्नत का होता है, कुछ लोग जानते होंगे पिन्नी क्या होता है, पिन्नी वो वाली पिन्नी नहीं, थैले वाली नहीं, एक माता होती है, देवी माँ है, उनका नाम है चट्टो देवी। तो कुछ मन्नत होती है, कोई ऐसी चीज़ होती है, आप अगर मानो, अगर वो पूरी हो जाए तो फिर चट्टो देवी की पिन्नी करनी होती है। तो अगर आप चाहें ये चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि प्रॉपर ये किस तरीके से होता है, तो कमेंट में बताइएगा, तो मैं अच्छे से डिटेल में आप लोगों को ब्लॉग बना के बताऊंगी, और आप लोग भी इस चीज़ को कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है वाकई में, माता रानी की कृपा से मैंने तो जब जब मांगा है हुआ है वो चीज़, तो ये चीज़ है। और अगर आप बोलोगे कमेंट में बताने को पूरा डिटेल में, तो मैं आपको बताऊँगी, अभी इस ब्लॉग में नहीं बता रही हूँ फिलहाल। तो मैंने उसको बुलाया था उसमें, तो तब वो बता रही थी मुझे, इससे पहले जब मैं ब्लॉग यहाँ पर वीडियोस बना रही थी ना, तो बता रही थी मैं बालकनी से तुझे हाई कर रही थी, तूने देखा नहीं, मैंने कहा मेरा ध्यान ही नहीं गया, मैंने कहा मुझे कॉल कर दिया करो, जब मैं ऐसे वीडियो बनाती हूँ देख लूँ तो मुझे कॉल कर दिया करो तो अच्छा लगता है थोड़ा यहाँ पर ना, धीरे धीरे करके सारे फ्रेंड्स मेरे यहाँ से अब ना बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, अपने अपने फ्लैट में, अपने अपने घरों में शिफ्ट हो रहे हैं, तो थोड़ा सा बोरिंग भी लगता है, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। और पता है मेरी मोस्ट बेस्ट फ्रेंड, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसका बर्थडे एक कब बीता है, ठीक है, और उसे पता है अच्छे से कि मुझे बर्थडेज डेट कभी याद नहीं रहती हैं, पता नहीं मेरे साथ ये क्या है, बचपन से है, मुझे ना अगले दिन याद आता है कि हाँ बर्थडे है, और मुझे एक दिन, मतलब एग्जैक्ट एक दिन पहले याद रहेगा, उस दिन मैं भूल जाती हूँ, मेरा हमेशा से, और ये मेरी फ्रेंड को पता है, सबको पता है कि पूजा का अगले दिन ही कॉल आएगा, तो मेरी उस फ्रेंड को भी, अनीता का, जिसका बर्थडे मैं, आपको याद होगा अगर ब्लॉग देखा होगा, तो मैं दिल्ली गई थी उसको सरप्राइज़ देने के लिए, गई थी उसके बर्थडे पर ही गई थी मैं, तो उसका बर्थडे मैं इस पर भी सेम हमेशा की तरह उस दिन भूल गई, और नेक्स्ट डे मैंने उसको, मैं कॉल नहीं कर पाई इस बार, टाइम नहीं हो पाया, मुझे बहुत ख़राब लग रहा है,
मैं कभी उससे फिर बात करूँगी, मेरी बचपन की दोस्त है, वो समझेगी इस चीज़ को, है ना। तो और एक फ्रेंड का आने वाला है और पता है मुझे डेट याद नहीं है, उसको ये चीज़ पता है मुझे डेट याद नहीं रहती है, पता नहीं क्यों नहीं याद रहती है, मुझे नहीं पता। कोई बहुत बड़ा तोप की बात नहीं है किसी के बर्थडे की डेट याद रखना, मेरे साथ पता नहीं क्यों ऐसा है, मुझे डेट याद नहीं रहती है। तो मैं ना अब क्या करूँगी, अगर वो देख रही होगी ना इस ब्लॉग को, मुझे मारेगी पकड़ के, मैं पता क्या करूँगी, मैं फेसबुक पर जाऊँगी उसकी प्रोफाइल में और चेक करूँगी उसका बर्थडे कब आता है। तो बता रही, मैं चाहूँ तो ना बताऊँ, बट जो दिल में है ब्लॉग में सब एज इट इज़ रखना चाहिए, तो इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि ऐसा है मेरे साथ, लफड़ा लफड़ा है मेरे साथ, ये लफड़ा है ना। तो अब बाकी यहाँ पर ना फिर वीडियोस बनाती हूँ, फिर आप लोगों से और अच्छी अच्छी बातें करूँगी। ओके चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय। इधर देखती हूँ कैमरे में, आँख उधर जाती है, उधर देखती हूँ आँख इधर, मतलब फ्रंट कैमरे से तो पता ही नहीं चलता क्या करें और क्या नहीं करें, बट ठीक है, इट्स ओके। बाकी अगर आप लोग नए हैं अभी तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक मेरी वीडियोस पहुंच सकें। थैंक यू सो मच, हवा चल रही है, आप मज़े ले रही हूँ, बाय।